हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय गासी। देखिए, आज सबसे पहले खुशखबरी है, हमारे घर में एक डॉगी है जोया, छोटी सी जोया है। हमारा विस्की है तो हमारे विस्की का छोटा सा बाबू पैदा हुआ है। आप माने में छोटे छोटे पांच, मतलब तीन विस्की पैदा हुए, दो जोया पैदा हुई और एक जोया तो मस्त छः नाखून वाली। मतलब डॉगी उसको हमेशा आगे पाँच नाखून रहते और पीछे चार रहते, लेकिन मेरी जोया की बेबी को पांच पांच नागुन आगे पीछे। अरे फाइनली मेरा विस्की बाप बन गया और मेरे केशव का पापा नाना बन गया। बताओ, बाप नहीं बने, नाना पहले बन गए। आज बहुत खुश हुआ, मैंने सुबह सुबह उनको कॉल किया था कि अरे आपकी जोया को, क्योंकि जोया को लाने वाले केशव का पापा थे घर में, बोले जोया को घर में लाओ, उनकी लाडली है। अभी वो सुने तो फूले नहीं समा रहे, क्योंकि भाई वो उनके घर में ऐसा विस्की आ गया है, पाँच छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं और अब मेरा केशव भी आने वाला है। मेरा हनी मुझे चिढ़ा रहा है, मम्मा जोया ने पांच बच्चे के, तू दो तो कर, टेंशन मत ले, तू प्रेशर लगा, हम लोग नार काटने आता है। ऐसे खुशी का माहौल है घर में, खुशियाँ आई है, गुड लक चैंप आया है, बहुत अच्छी बात है। एक बात और, आज शुक्रवार है, जुम्मा है, अमावस्या हुई, दो दिन हुई है। मैं आज भी आपको ये बोलूँगी, पूर्णिमा आने में अभी टाइम है, आज भी आप चाहो तो एक लास्ट है कि आप कोई भी शक्ति आप ले सकते हो। देखो, शक्तियों के जरिए अगर एक शक्ति लेने से अगर आपको मारण मोहन नमक का काम ये सारी चीज़ें सीखने मिलती, बहुत बड़ी बात है। अभी आप किसी से सीखने भी जाओगे ना तो ये सारे तरीके चीज़ें कोई नहीं सिखाएगा आपको, समझ रहे हो। यहाँ पे पाँच पाँच दस दस लाख सीखने के बाद भी कोई नहीं सिखाता। ये जो शक्तियाँ हैं ना, जो शक्तियाँ मेरे पास लोग सीखते हैं, ये सीखने के बाद ऐसा चीज़ है कि आप खुद कर सकते हैं। अभी स्नेह लता है, हाजिदा है, मैंने इन लोगों को सब सिखाया है, लेकिन आज की तारीख में हाजिदा जैसी दिग्गज लोगों का आईनी अमलिया देख लेती है, बता देती है सामने वाला क्या कर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, किससे बात कर रहा है, सब कुछ बता देती है। कि स्नेहा है, उसको मैंने आज इतना सिखाया, बीच में उसकी शक्तियाँ छीण हो गई थी, अमावस के दिन की थी। शक्तियों का कैसे मालूम है, हमने पहले ही कहा है, गुरु के लिए सोचो, गुरु के आगे मत सोचो। और दूसरी बात, मैंने स्नेहा को भी ये समझाया है कि अपनी लाइफ में सबसे बड़ा मायने गुरु को दो, अपने बच्चों को दो, आदमियों को मत दो। क्योंकि वो जिस पंथ पे वो चल रही है, उस पंथ पे अगर उसको आगे की सीढ़ी जानी है, लोगों तक जाना है, तो उसको अपने आप से प्यार करना बंद करेगा। मतलब उसको अपने आप पे ध्यान नहीं देना, उसको पूजा पाठ में ध्यान देना। वो जितना दूसरों के लिए सोचेगी उतना ही भला होगा। मैं भी देखो दूसरों के लिए सोचती हूँ, करती, अपने लिए नहीं सोचना है। जैसे अभी शक्ति पा जाते हैं तो ये ना सोचे कि हम इसको वशीकरण करके बात करें, उसको वशीकरण, क्योंकि हमारे चेहरे में ऑलमोस्ट आकर्षण शक्ति आता है कि हर कोई हम पर गंदी नज़र या कुछ भी डालेगा, लेकिन उस तरह से हमें फिसलना अच्छी बात नहीं है। फिलहाल ये जो मेरे से स्नेहा जिस आदमी की वजह से दूर हुई है, जिस ड्राइवर की वजह से दूर हुई है, उसको तो मैं ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। उसकी तो मैं वो हालत करूंगी कि ना वो ड्राइविंग करने लायक रहेगा और ना ज़िंदगी भर किसी औरत को देखने लायक रहेगा। ये गलती की सज़ा मैं उसको दूंगी तो दूंगी, ये बात पक्की है। क्योंकि मेरे लिए एक बात है, कोई भी इंसान अपने घर में मुंह मारे ना, बाहर अगर आप तुम लोगों को साला कोई तुम लोगों को भाई बाप बना के अपने साथ ड्राइवर लेके जा रहा है, भाड़े पे लेके जा रहा है, तुम्हारी औकात भाड़े तक है, तुम्हारी इतनी औकात कैसे हो जाती है कि तुम अपने मालिक पे नज़र डालने लगते हो, हाँ ये कैसा है? ऐसा कोई फिर तुमको कैसे कोई भाड़ा देगा, कोई कैसे कोई औरत की जिम्मेदारी देगा, कौन तुम लोग पे भरोसा करेगा? साला तुम लोगों की औकात नहीं, तुम लोगों को हम लोग अपने साथ बैठा के खाना खिलाते हैं, बात करते हैं, इतना थोड़ी छूट दे देते कि तुम हमारी औरतों में नज़र रखो। मैं तो वो काट के ना फेंक दूँ, मैं तो ऐसी हूँ। अब सामने वाला क्या बोलेगा, हमने कुछ बोला क्या? बोलना ज़रूरी है। आज की तारीख में बैड लैंग्वेज, बैड कहते हैं ना, गंदी नज़र, सब कुछ महसूस होता है। एक अकेली औरत देखना, पता चलना अकेली है, इसका पति नहीं है, बच्चे हैं, उसके ऊपर गलत नज़र डालना, उसकी वजह से उस औरत को उसके गुरु से दूर करना, उस बात की सज़ा तो मैं दूंगी, चाहे कुछ भी हो, ये बात की सज़ा दूंगी, क्योंकि उसमें मेरी स्नेहा की तो कोई गलती है भी नहीं, लेकिन मैं ऐसे छोड़ूंगी भी नहीं। तो जैसे हमारे स्नेहा जैसी दिग्गज है, जो कहते हैं एक मंत्र है, वो मंत्र इतना पावरफुल है, मैंने बोला ना, आदमी का ज़र्रा ज़र्रा ख़त्म कर देता है, उसमें इतनी ताकत मैंने इतना सिखा दिया है कि वो आराम से आदमी की बैंड बजा देती है, आराम से। और ये बात भी मैं खुलेआम बोलती हूँ, भले किसी के पास उसका मेरा नंबर हो, कुछ भी हो, चाहे अगर मेरे बारे में उसको किसी ने ये भी बोला ना कि मेरे लिए सोचा, उसके सामने मिठ्ठा बनने का कोशिश किया ना, तो वो मेरे से दगा कभी नहीं करेगी। ये मैं खुलेआम पूरे गर्व के साथ कहती हूँ कि एक टाइम अगर वो अपने लिए जो करे, लेकिन मेरे लिए किसी के साथ मिल के दगाबाजी करने को नहीं देखेगी, क्योंकि उसको मालूम है एक बार उसकी शक्तियाँ जा चुकी हैं, दोबारा वो शक्तियाँ नहीं खोना चाहिए। ऐसी बात है, तो मैं यही बोल रही हूँ, शक्तियों की ताकत ऐसी होती है ना, मैं अपने लोगों से कभी दुश्मनी नहीं लेती,
मैं नाराज़ भले होती हूँ, दुश्मनी नहीं लेती, मैं उनसे दुश्मनी नहीं कर लेती, कह रहे चल मुझे बात नहीं करना ये नहीं। हाँ ये ज़रूर है कि वो लोग को सुधार आना ज़रूरी है, उनको समझना चाहिए कि अभी हमने अभी तो मैंने ये लोगों को बहुत कम सिखाया है, नमक का काम ये सब सिखाया, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। इतनी मोटी पोथी है, 15 साल में विद्या देवी ने जो सीखा है वो मैं चाहती हूँ कि देखो ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अभी लोग बोलते हैं जब आप ज्ञान बांट रहे हो तो शक्ति क्यों दे रहे हो, शक्ति आपकी प्रोटेक्शन के लिए दे रहे हैं, शक्ति आपको आपको प्रोटेक्ट करेगी। जब आप शक्तियाँ लोगे, जब मैं जो चीज़ सिखाऊंगी, जो चीज़ करने बोलूंगी तो उसकी नेगेटिविटी आप तक नहीं आए, इसके लिए शक्तियाँ मेरे जरिए का एक वो है, कहते हैं ना एक, अभी जैसे आप मोबाइल से मोबाइल बात करने के लिए मोबाइल नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए, डायरेक्ट बात होगी, बगैर मोबाइल नंबर के बात होगी क्या? जब तक मुझे मेरा नंबर आपके पास नहीं रहेगा, आपका नंबर मेरे पास नहीं रहेगा, बात नहीं हो सकती। वैसे ये शक्तियाँ, जब तक मेरी शक्तियाँ आपके पास नहीं रहेंगी, जब तक आप मेरी शक्तियाँ नहीं लोगे, तब तक हमारा कॉन्टैक्ट कैसे बनेगा? कॉन्टैक्ट बना, कॉन्टैक्ट से जुड़ने के लिए, एक दूसरे से तार जोड़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि शक्तियाँ लेनी ज़रूरी है, उसके बाद ही आप सीख सकते। तो मैं ये बोलूँगी कि बेवकूफ़ी नहीं करें, बल्कि ये इससे अच्छा गिफ्ट क्या है कि आपको साक्षात्कार दर्शन मिल रहे और इस तरह से आपको दिग्गज बना रहे। बहुत सारे आपको मान लें, मेरी बा के यहाँ पे एक आदमी आता था, वो बीड़ी पीने के लिए लोगों से मांग मांग के पैसे पीता था, बीड़ी लोगों से। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, आज वो i10 गाड़ी लेके घूमता है। क्या करता है वो? सिर्फ बॉडी वाले शख्स बाबा जी का अपना जो भी हम लोग को पूजा पाठ सिखाया जाता है वो तरीका करता है, और आज उसकी लाइन लगती है। मेरी बा है ना बहुत पावरफुल है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, मैं उनकी पावर से मैं चलती हूँ, क्योंकि वो मुझे जो पावर दी, वो पावर सिर्फ हमें मिलती है, सबको नहीं मिलती। मेरे से बहुत सारे जन व्हाट्सएप में बोलते हैं हमको भी बा से मिला ना, हमको भी पावर, ऐसा नहीं। इतने पूजा पाठ करके, प्लस मैं बगला मुखी की पुजारी हूँ, जिन जिन्नाते मेरे पास, हम लोग उस तरह से पावर है हमारे पास, सब पावर यूज़ करके हम करते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है पता है आपको? मैंने आज ही अपने शंकर भाई को बताया कि शंकर भाई मेरी जोया को 5-5 बच्चे हुए हैं, सोचो अभी तक आपकी बहन को नहीं हुए। तो मेरे शंकर भाई बोलते हो जाएगा, चिंता मत करो, पहले तो आप अपना दिल दिमाग एक जगह लगाओ। क्या होता है ना, सच बोलूँ ना दिल की बात, केशव के पापा गाँव गए हुए हैं, मुझे उनके घर किसी के ऊपर भी किसी पे 1% भरोसा नहीं है, क्योंकि शुरू से लेकर आरिफ की जर्नी से लेकर उनके घर तक की जर्नी का अब तक यही इंटेंशन है कि वो मेरे पास ना आए, मुझे छोड़ दें, ये कर दें, वो कर दें, जो कि वो भी ये बात जानते कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो उस बीच में मैं बोलती नहीं हूँ। तो मैंने आज ही शंकर भाई को कहा, तो शंकर भाई ने क्या कहा, दीदी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको अपने बच्चे पर ध्यान देना है, आपके धनी पे ध्यान देना मेरा काम है। देखो इस वक्त क्या है, आप अपने पूजा पाठ करते हैं, आप तो खुद सक्षम होते हैं पूजा पाठ में, कोई माई का लाल कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और दूसरी बात, आपका धनी हमारा दामाद है घर का, उस तक आँख उठाने की औकात ना किसी की है ना किसी की होगी। हाँ ये बात ज़रूर है कि आपका धनी, आपका केशव का पापा आपकी बात को इग्नोर करके चला गया है, देख लेना, लिख के लेना ये बात। आप जैसा, आप आने के बाद वो बंदा आपके सामने खुद बोलेगा ये बात आके कि मैंने तेरी बात नहीं मानी और मेरे साथ ऐसा हुआ। और करने दो, जिसको जितनी कोशिश करनी है करने दो, क्योंकि क्या होता है ना, पाप का घड़ा भर गया है, छलकने वाला है, पाप का घड़ा भर गया है, छलकने वाला है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आप किसी को सर्टिफिकेट मत दो, आप किसी के बीच में मत बोलो, आप सिर्फ शांति से अपने पूजे में ध्यान दो, अपने बच्चे में ध्यान दो। इस वक्त शक्तियों का आगमन का टाइम है, होली के टाइम सबको दर्शन होने वाले, उसमें ध्यान दो। बाकी रही धनी की बात, वो धनी खुद वहाँ से पछता के आएगा और आपको ये बात कहेगा कि मैंने तेरी बात नहीं मानी, इसके लिए मेरे साथ ये काम हुआ, ये बात है। और जहाँ तक रही उनके घर में क्या चलता है कैसे चलता है, आपको उससे लेना देना नहीं होना चाहिए, वो लोगों को हम देखेंगे। आरिफ जैसे लोगों को हमने भगाया ना, आपने क्या बोला था, मुसलमान को हटाएंगे, मुसलमान को हटाया ना हमने, उस आदमी को उधर का उसकी सच्चाई दिखाई कि हटाई ना, आज केशव के पापा उसको देखते हैं तो उसकी सारी सच्चाई आई। वैसे ही अब इन लोग की भी सच्चाई आने वाली है, ये आखिरी जर्नी है, घूम लें दो फिर लें दो, घूम के अपने पास ही आने वाले। लेकिन इस जर्नी में तुम्हारे केशव के पापा को वो पता चलने वाला है जो आज तक नहीं पता चला है, इसलिए आप छोड़ दो, आप सिर्फ अपने बच्चे पे ध्यान दो। आज आपने जोया की खबर दी है ना, देखने ना बहुत जल्द आप ये भी खबर दोगे कि मेरा केशव भी आ गया, या लड़का या लड़की जो भी आ गया, आप बच्चे पे ध्यान दो। तो फाइनली यही है बस, मेरे बच्चा आने वाला है, मेरे को भी, मुझे बहुत खुशी है कि आज जोया की तो मैं माँ हूँ तो मैं नानी भी बन गई है ना, असली माँ तो मेरी प्रांजल है, आज वो नानी बन गई अब वो जोया के छोटे छोटे बच्चों को संभालेगी। सब लोग डॉक्टर बने थे मालूम है आपको, रात को हमारे घर पे मेरा हनी, ऋषि, प्रांजल, ये लोग सब डॉक्टर बन के बच्चा पैदा कर रहे थे। मुझे तो चक्कर आ गया था एक मिनट के लिए, आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, ये लोग कर क्या रहे। तो मेरा हनी मुझे बोलता है मम्मी अभी तू भी बच्चा पैदा कर, हम लोग नार काट लेंगे, बताओ
ऐसे बोल रहे लोग तू सिर्फ प्रेशर दे, हम लोग बच्चा निकाल के नार काट लेंगे। मतलब ये लोग एकदम कॉन्फिडेंट हो गए कि अब मेरा बच्चा भी ये लोग पैदा कर सकते हैं ऐसा। तो फाइनली बस यही है कि आप लोग भी शक्तियों को लें और शक्तियों को आजमाएं, क्योंकि जो चीज़ मैं सिखा सकती हूँ ना वो कोई नहीं सिखा सकता है। और जहाँ मेरी बा है ना वहाँ मुझे कोई डर नहीं है। मेरी बा मेरे पे पूरा ध्यान दी हुई है, सब पे ध्यान दी हुई है। बस इतना ही बोल, मैं इतना ही बोलूँगी, मेरे साथ अच्छे नहीं बन सकते ना तो बुरे भी मत बनो, क्योंकि देखो मेरे पीछे है मेरी बा का, मेरी माँ का हाथ है। और दूसरी बात, उनकी बहुत बड़ी शक्ति, बॉडी वाले शख्स की इतनी बड़ी शक्ति है ना, क्योंकि केशव के पापा के साथ गोल 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 घूम रही है, उनके इर्द गिर्द पहली बात तो किसको आने नहीं देगी, और उन्हें पूरा षड्यंत्र पता चलेगा जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए मेरे शंकर भाई ने बोला है वो जितना दिन रहते रहने दो दीदी, चिंता मत करो, उन लोगों को पूरी कोशिश आजमा लें दो, एड़ी चोटी का जोड़ लगा लें दो, यही होगा लास्ट में उनको उनके मुँह की खानी पड़ेगी। तो मैंने बोला कि शंकर भाई क्या है मालूम है, इस वक्त मेरी ऐसी हालत है, आपने कहा है ज़्यादा पूजा में नहीं बैठना, मैं तो भी पूजा कर रही हूँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक माँ हूँ तो डर लगता है केशव के लिए, क्योंकि ये लोग अच्छे नहीं है ना, शुरू से पीछे पड़े। तो बोलते हैं अरे किसकी माई का लाल का दम है कि बा के नाती पे ध्यान दे, उनके घर में भी तो बच्चे हैं, उनके घर में भी बच्चे हैं, उनके घर में भी परिवार है। अगर तुम तक, धनी तक और केशव तो कोई आएगा ना तो तुम लिख के लेना, देख लेना, वहाँ से आने आने से पहले या तो किसी का एक्सीडेंट हुआ रहेगा, या किसी को चोट लगी रहेगी, या किसी का सामान चोरी हो चुका रहेगा, या किसी की बहुत गंदी पोल खुल चुकी रहेगी। इतना पक्का है, अगर उन्होंने केशव के लिए बुरा सोचा या धनी के लिए बुरा सोचा तो पक्का है। और तुम्हारा धनी तुम्हें खुद आके कहेगा कि मैं तेरी बात मान के नहीं गया, मेरे साथ ऐसा हुआ, ये लिख के लेना, ये तुम्हारे भाई की जुबान है बस। तो जब मेरा भाई मुझे जुबान दे रहा है तो बस बात ख़त्म, मैं बेफिक्र। और एक और बात है, आप लोग भी पीछे मत हटिए शक्तियों के लिए। मैं अभी भी कहती हूँ, सीखने का चाव है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का चाव है, तो शक्तियाँ ज़रूर लें, आज लें, अभी लें, क्योंकि आज का दिन मिस मत करें। और हाँ, मेरे ग्रुप वाले भी कुछ नाटक कर रहे हैं, ग्रुप वालों को लग रहा है कि क्या कर लेंगे, इग्नोर, मैं 10 तारीख के बाद उनको बताऊँगी कि मैं क्या करूँगी, जब मैं किसी की बातों का जवाब ही नहीं दूँगी, तब मुझे फ्रॉड भी बोल देंगे तो मुझे चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद मैं जवाब नहीं दूंगी, मैं उन्हीं के पैसे जो आने वाले हो सारे पैसे मैं गरीबों में बांट दूंगी, एक रुपया उनको नहीं दूंगी। जब विद्या देवी को इग्नोर कर रहे तो मैं क्यों फिर महान बनूं, कर लो जो करना है, फिर देखो मैं क्या करती हूँ, मज़ा देखो बस। 10 तारीख को जय माता दी।